जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट या अपने अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ की भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि सीआरपीएफ का एक और रिटर्न एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है, जो कि अभी रिटर्न एग्जाम चल रहा है, ये हेड कांस्टेबल का है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम के सेंटर तमाम बच्चों के कहीं कहीं आए हैं, कहीं के जलंधर, कहीं के कहीं, तो आप लोग तमाम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सीआरपी हेड कांस्टेबल का। बट आप लोगों को बता दें कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ्स का भी रिटर्न एग्जाम आ गया है, जिसकी भर्ती 2020 में हुई थी। इसका रिटर्न एग्जाम आप लोगों को जम्मू में ही देखने को मिलेगा। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एंड ट्रेडमेंट्स की भर्ती 2020 में हुई थी, दिसंबर जनवरी में। उसका रिटर्न एग्जाम 31 मार्च को होगा। जो फिट हुए हैं उनका एग्जाम कंप्यूटर पर होगा। आप लोगों को बता दें कि एडमिट कार्ड आप लोगों का 21 मार्च के बाद डाउनलोड होगा, लिंक देसी बॉय की स्टोरी में देखने को मिलेगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, कंप्यूटर पर यह एग्जाम होने वाला है। इसकी रनिंग वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। आप लोग अच्छे से मेहनत करें और लगातार हमारे पेज को फॉलो करें और अपडेट्स को कलेक्ट करें। ये आप लोगों को सीआरपी की भर्ती के बारे में बता दी। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बीएसएफ की भी ट्रेडमैन्स की भर्ती आई है, उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में ही कवर कर देंगे। आप लोगों को बता दें कि ये स्टोरी लिखने में लगभग लगे थे हमें 20-25 मिनट्स, जो कि हमने इंस्टाग्राम पर डाली है। इंस्टाग्राम में बच्चों के लिए कलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए बोला है और बच्चे छुप रहे हैं। आप लोगों को छुपेंगे अगर आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पर एससी एसटी और एज उम्र रखी है 30 साल, ओबीसी के 28 साल है। बीएसएफ ट्रेडमैन में 1284 पोस्ट है, 64 फीमेल्स के लिए है ऑल इंडिया में पोस्ट। लड़कियों, मैं सजेशन दे रहा हूँ कि लड़कियाँ ना इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 68 पोस्ट हैं, तो एक आधी पोस्ट जम्मू को मिलेगी। इसलिए अगर अब आओ आपकी अपनी चल से, पर लड़कों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उम्र 18 साल से 25 साल लड़कों की जनरल की है, 18 से 30 साल एससी एसटी की, ओबीसी की 18 से 28 साल उम्र है। कॉबलर, ट्रेलर, वाशरमैन, बारबर, स्पीपर के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो सिंपल 10वीं पास हो, कोई डिप्लोमा शिप्लोमे की जरूरत नहीं, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और कुक के लिए, वाटर कैरी के लिए, जब वेटर के लिए आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कहीं भी होटल से या कहीं से भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर 10वीं पास। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने ऐसे ही रिटर्न देना है बीएसएफ का, चलो पता लग जाएगा कि हाँ चलो फॉर्म भर ही देते हैं, रिटर्न शिटर्न दे देंगे, बाद में फिजिकल में निकालते हैं तो निकालते हैं, क्योंकि रिटर्न देंगे तो एक्सपीरियंस बनेगा ना, तो इसलिए फॉर्म फिल कर लो, कोई इशू नहीं, फॉर्म फिल हो जाएगा। काबलर शावलर में ही फिल शिल करके कहीं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का सिस्टम को अपग्रेड करो, ताकि जितना एग्जाम देंगे उतना आपको बेनिफिट्स होगा। तो इसमें फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपया फीस है ओबीसी, ईडब्ल्यू और जनरल की, एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, 100 रुपया फिल चार्ज है, और 200 रुपया जो है वो बीएसएफ का लगेगा। जिस बच्चे ने फॉर्म फिल करवाना है ऑनलाइन, कंप्यूटर पर रिटर्न होगा, इसका पहले बता रहा हूँ, कोई दौड़ छोड़ नहीं होगी, रिटर्न पर होगा। 9682301511 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, फॉर्म फिल करवाना चाहता है तो डॉक्यूमेंट भेजें, फॉर्म फिल करके आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ये आप लोगों को पूरा डाटा डिटेल बता दिया। अभी भी आप लोगों को इस फॉर्म की पीडीएफ चाहिए, इस फॉर्म का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री है, वो आप लोगों को देना पड़ेगा, बाकी अपने हिसाब से कॉपरेट करें, फॉलो करें, ऑल अपडेट्स के लिए बने रहें। और भी काफ़ी भर्ती आने वाली हैं, और काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, आईटीबीपी ट्रेडमैन, सीआरपी ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीएसएफ ट्रेडमैन, और काफ़ी नए वैकेंसी आने को मिलेगी, तो आप लोग लगातार पेज पर बने रहें जाएंगे।